साथियों, आज चर्चा होगी फूड फैक्ट, भोजन तत्व जो श्रृंखला चल रही है उसमें तरबूज, वाटर मिलियन के आयुर्वेदिक गुण, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सारी चर्चा आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी अपने YouTube चैनल आयुर्वेद विद राकेश सिंह बख्शी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, लगातार फूड फैक्ट्स या भोजन तत्व के बारे में जो श्रृंखला चल रही है उसकी जो अगली कड़ी है वो है तरबूज या वाटर मिलियन, कलींदा भी बोलते हैं हमारे यहाँ नरसिंहपुर क्षेत्रीय भाषा में, इसको कलींदे भी बोलते हैं। तो तरबूज के आयुर्वेदिक गुण, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा साथियों कि जब हम प्रकृति के निकट रहते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं, तो हम रोग ग्रस्त नहीं हो पाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि हम प्रकृति में जो जो फल फूल सब्जियां ऋतु अनुसार जो आती हैं उनका उद्देश्य होता है प्राणी मात्र को सुखमय जीवन प्रदान करना। तो उन्हीं में से ग्रीष्म ऋतु में आने वाला रसीला, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक और औषधि गुणों से भरपूर तरबूज एक है, जिसमें वाटर कंटेंट की बात करें साथियों तो इसमें लगभग 90% पानी की मात्रा होती है, जो आपको ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवा या लू से बचाता है, यानी आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है, आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, और साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण से आपकी त्वचा में चमक और ओज और लावण्य प्रदान करता है। इसमें डाइट्री फाइबर बहुत अधिक होता है, इसमें विटामिन मिनरल्स, विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा अच्छी मात्रा में इसमें होती है, जिसकी वजह से आपको एंटीऑक्सीडेंट गुण प्राप्त होते हैं। साथ ही इसमें लाइकोपिन की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो यह ग्राही, शीतल और भारी, पचने में भारी होता है, ये नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। जहाँ इसके बहुत अधिक लाभ हैं वहीं पर एक इसका नुकसान भी है, यह वीर्य को हरने वाला बताया गया है आयुर्वेद में। पित्त का शमन करता है, ग्रीष्म में गर्मी बहुत अधिक होती है उस समय ये पित्त का शमन करके आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को भी यह मजबूती प्रदान करता है, इससे आप स्वस्थ रहते हैं। वहीं पर साथियों बात करें कि पका हुआ जो तरबूज होता है वो पित्तकारक हो जाता है, हल्का खारा हो जाता है, और यह वादी और कफ का नाश करने वाला होता है। जहाँ हरा यानी कच्चा तरबूज खाने में पित्त का शमन करता है, वहीं पर पका हुआ जो खारापन आ जाता है स्वाद में, तीखापन, वह पका हुआ तरबूज कफ का और वादी का नाश करता है या शमन करता है। साथियों, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो इसलिए ये मधुमेह या शुगर के जो पेशेंट हैं वो भी इसको खा सकते हैं, शौक से खाएं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि इसके भरपूर जो गुण इसमें हैं पूरी तरह से आपको प्राप्त हों, तो आप ध्यान रखें इसको नमक के साथ ना खाएं। हालांकि नमक के साथ खाने से ये स्वादिष्ट हो जाता है, और जब आपके शरीर से पानी निकलता है तो डिहाइड्रेशन को जब रोकता है ये, तो उस समय मिनरल्स हमारे शरीर से निकल जाते हैं, तब ये लाभदायक तो होता है नमक के साथ खाने में। लेकिन इसके जो बाकी आयुर्वेदिक गुण जो पूर्णतः से आप फायदा लेना चाहते हैं तो उसमें ये रुकावट पैदा करता है नमक के साथ खाने पर। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप तरबूज खाएं तो उसके बाद बहुत भारी या हैवी डाइट ना लें। दूसरा, तले भुंजे जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तरबूज के गुणों को नष्ट कर देते हैं और आपके शरीर को हानिकारक हो सकते हैं। अंडे भी नहीं खाना आपको,
मांसाहार भी नहीं करना है इसके खाने के बाद, दूध भी नहीं पीना है, तरबूज खाने के बाद दूध भी नहीं पीना चाहिए। साथियों बात करें तरबूज खाने का सबसे उपयुक्त समय, तो मैं कहूँगा फल जितने भी हैं वो नाश्ते के बाद खाएं तो सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है, और ये आपके शरीर को बहुत अधिक पोषण प्रदान करते हैं। यदि आप नाश्ते में नहीं खा पाते हैं तो दोपहर के भोजन के साथ भी आप फलों का सेवन कर लें। रात्रि में इनका सेवन करना उतना उपयुक्त आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं बताया गया है, क्योंकि इसमें पानी या वाटर कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो आपको रात्रि में बार बार मूत्र के लिए प्रेरित करेगा। साथियों हमारे आयुर्वेदज्ञ विशेष जो आचार्य हुए हैं, आचार्य चरक बृहद बाघभट्ट, इन्होंने बताया है कि जब हम प्रकृति के निकट होते हैं, प्रकृति के साथ तादाम में स्थापित करते हैं, तो हमारे जीवन शैली में गुणवत्ता के साथ साथ हम रोग रहित जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति में आने वाले रसीले फल, जैसे कि मैंने पिछली बार खीरा बताया था आपको, उसमें भी वाटर कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है, तरबूज है, खरबूज है, और तो इन सब के सेवन से आप पूर्णतः ग्रीष्म ऋतु में स्वस्थ रह सकते हैं। साथियों प्रकृति ने अपने खजाने में एक से एक स्वादिष्ट रसीले बहुत ही रुचिकर फलों का संजो के रखा है, इनके सेवन से आप स्वास्थ्य के साथ साथ आनंदित भी रह सकते हैं। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि बहुत लोग इन सब चीज़ों को छोड़कर ये आजकल ड्राई मतलब पिज्जा बर्गर इनके पीछे पड़े रहते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। तले हुए यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो उस समय तली हुई चीज़ों का परहेज करते हुए आप फ्रूट्स ऐसे रसीले फलों का सेवन करें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, और प्रकृति से आपका तादाम में स्थापित रहता है, जो आपको एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये आपसे रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है इन फलों का जब आप समावेश करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने वो गुण उसमें छुपा कर रख दिए हैं कि जिस ऋतु में जिस गुणों की जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में पानी की आवश्यकता है, उसमें पानी ही पानी उनने भर के रखा है। जबकि आप देखें शीत ऋतु में आने वाले जो फल होते हैं वो सूखे होते हैं, जैसे खजूर सूखा होता है, रस में मात्रा नहीं होती, उसमें पौष्टिक गुणों की मात्रा होती है, जो उस समय आप सेवन करेंगे तो उसको आपके शरीर को लाभ मिलेगा। तो साथियों आप प्रकृति के साथ जुड़कर इन फलों का आनंद लेते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ हों, इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।